my money right. Yeah, I'm looking at the bank statements. I do not want to tell. Yeah, nuts for my gang. Give me just a stamp. हेलो गाइस, की हालत वाडा? हाँ भाई, करवा ली पबजी बैन? नहीं ठंडक पड़गी? नहीं भाई, खेल लो 10-20 घंटे और खेल लो। नहीं पूरी तरह इसको बैन करवा दो। पहले से आराम है। मुझे पीटीए वालों की समझ नहीं आती कि आखिर क्यों पबजी बैन कर रहे हो यार। इतनी भी क्या दिक्कत आ गई है तुम लोगों को यार? करना है तो कैंसर की बड़ी बाजी टिकटॉक को बैन करो और ये बीगो लाइव ऐप को बैन करो, जहां गंद और बकवास कंटेंट के अलावा कुछ है ही नहीं। वैसे तो अभी टेम्पररी तौर पर बैन हुई है पबजी, लेकिन यार कुछ पता भी नहीं होता। अब पबजी का बैन कुछ इस तरह से काम करेगा कि पीटीए पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर करती है और बाकी जो ऐप्स और वेबसाइट्स हैं वो भी पीटीए ही बैन करती है। तो भाई पबजी को पीटीए ने इस तरह बैन किया है कि पबजी के सर्वर्स ऑफ कर दिए गए हैं, वो भी टेम्पररी तौर पर। और सर्वर्स ऑफ होने की वजह से हम लोग मैचेस नहीं खेल सकते, हमारी गेम लोडिंग पर ही स्टक हो जाएगी। बैन करने की वजह कुछ ये भी है कि रिसेंटली पबजी की वजह से लाहौर में कुछ बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। तो मतलब आजकल के 12 से 16 साल के बच्चे भी इस गेम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जबकि गेम तो है ही 17 प्लस बच्चों की। चलो मैंने माना कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन उनका क्या जो पबजी से पैसे कमा रहे हैं? बहुत से यूट्यूबर्स पबजी खेल कर ही पैसे कमा रहे हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर वो अवाम को अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, वो भी पबजी के थ्रू, तो इसमें क्या बुराई है? कम से कम टिकटॉक और बीगो जैसी ऐप में मुजरा तो नहीं कर रहे ना, एक अच्छे वे में ही कामयाब हो रहे हैं ना। और मुझे लगता है कि पबजी बैन होनी नहीं चाहिए। जो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा पबजी खेल रहे हैं, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि शुरू से ही उन पर सख्ती करें। सिर्फ पबजी ही तो जिंदगी नहीं है ना। अगर आप अपने बच्चों को इतनी ज्यादा खुली छूट दे दोगे कि वो 24 घंटे फोन पर लगे रहे, तो भाई बच्चों ने तो इसी तरह करना है। जो चीज उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगी वो वही करेंगे। लेकिन पबजी इसलिए ज्यादा मशहूर हो गया क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को खेलनी आ गई और वो उसी पर लगे रहते 24 घंटे। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उन पर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करें, उनको जब फोन यूज करने का ड्यूरेशन है वो खुद सेट करें कि कब उन्होंने पबजी खेली और कब नहीं। और सुनने में तो ये भी है कि वीपीएन भी बैन हो रहा है। अब 9 जुलाई को हियरिंग है कोर्ट में, और मैं भी यही कहूंगी कि पबजी बैन नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूसरी एप्स बैन होनी चाहिए जिसकी वजह से मुल्क में वाकई बवासीर फैल रही है। वैसे ये ऐप तो 17 प्लस बच्चों की है, लेकिन इस गेम में छोटे छोटे बच्चे गेम में आकर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इवन मैं टिकटॉक पर पिछले दिनों वीडियो देख रही थी, उसमें बच्चे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे। लाइक उनकी आवाजें सुनो, उनकी एजेस देखो, और फिर उन लोग की लैंग्वेज सुनो। मुझे पता है कि पबजी एक साइड से बहुत बुरी भी है और एक तरफ से बहुत अच्छी भी है, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि अपने छोटे बच्चों पर कम से कम स्ट्रिक्टनेस तो करें, उनको समझाएं तो सही कि क्या चीज उनके लिए अच्छी है और क्या नहीं। अगर अभी से वो अब्यूजिव लैंग्वेज और मशहूर होने के चक्कर में पबजी खेलते रहेंगे तो भाई उन लोगों की पढ़ाई कहाँ जाएगी और हमारी नौजवान नस्ल कहाँ जाएगी? हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। हमारी गवर्नमेंट को पबजी तो नजर आ रही है, लेकिन रेपिस्ट नहीं नजर आ रहे, और ना ही उनके खिलाफ कुछ किया जा रहा है। हमारे मुल्क में चाइल्ड अब्यूज इतना ज्यादा हो गया कि हम अपने छोटे कजन्स या बहन भाइयों को कहीं भेजने से पहले 100 दफा सोचते हैं। कराची में होने वाले क्राइम्स हमारी गवर्नमेंट को नजर तक नहीं आ रहे, लेकिन पबजी इनको ऐसे नजर आ रही है जैसे पता नहीं गेम ना होगी, पता नहीं क्या चीज होगी। जहाँ असली क्राइम और चीजों के बारे में सोचा चाहिए, वहाँ हमारी गवर्नमेंट एक गेम के पीछे पड़ गई है। जो लोग अपने ही मुसलमान बहन भाइयों का कत्ल कर रहे हैं, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट कोई स्टेप ले ही नहीं रही। स्टेप ले भी रही है तो किसके लिए? एक गेम के लिए जिससे बहुत से लोगों का रोजगार चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि गेम के बजाय अपने मुल्क के असली मैटर्स, जिनकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा, उन पर फोकस करे, ना कि सिर्फ एक गेम को बैन किया जाए। पीटीए वालों ने एक ईमेल एड्रेस दिया है जहाँ पर हम अपनी राय या सोच बता सकते हैं। तो आप लोग जो चाहते हैं कि पबजी बैन ना हो, वो इस ईमेल पर अपना मैसेज लीव करें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को असली बुराई तो नजर नहीं आ रही, अलबत्ता गेम जरूर नजर आ रही है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट डाउन करें कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो भाई वहाँ पर भी जाके फॉलो करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।